ट्रेड, मैं हूँ दीपाली राणा और मैं हूँ मिहिर भट्ट। आज फिर से एक बार एक कमजोर सेशन, इसकी आशंका, और इसकी आशंका इस वजह से है क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट्स पर ट्रंप का साया। जी हाँ, जो लेटेस्ट पोल्स आए हैं उसके मुताबिक एक कंफ्यूज मैंडेट इस समय यूएस में देखने को मिल रहा है, और ये जो कंफ्यूज मैंडेट है जिसमें एक पोल ट्रंप को लीड दे रहा है, दूसरा पोल हिलेरी को बस 1% की लीड दे रहा है, और तीसरा पोल 4% की, ये तीनों ही पोल जो हैं ये आते हैं मार्जिन ऑफ एरर के दायरे में, क्योंकि कोई भी जो एग्जिट पोल होता है उसमें कम से कम 5% का मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, और इसका खामियाजा आज इंडियन मार्केट्स को भी भुगतना पड़ेगा जो कि इस समय देखने को मिल रहा है। सो निफ्टी 68 पॉइंट्स नीचे 8555 के लेवल पर इस समय इंडिकेटिव टिक्स में, और जो SGX निफ्टी है उसे आप देखिए, इनफैक्ट ये 86 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। सो डेफिनेटली एक कमज़ोर ओपनिंग, और ये जो इम्पैक्ट है ट्रंप इफेक्ट इसे कहा जा सकता है, ये ना सिर्फ इक्विटी मार्केट्स पर बल्कि आप देखिए क्रूड पर देखने को मिला है, डॉलर इंडेक्स पर देखने को मिला है, जो फियर इंडेक्स है यूएस में इस समय अपने सर्वोच्च स्तर पर है इस साल के। सो ओवरऑल इट्स अ बैड सेटअप दैट वी आर लुकिंग एट। बिल्कुल, शुरुआती संकेत सभी जो है वो कमजोरी का इंडिकेशन दे रहे हो, और एक कमजोरी हम देख भी रहे हैं अभी स्क्रीन पर, जहां पर निफ्टी 8563 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है 62 पॉइंट्स की वीकनेस के साथ। इनफैक्ट राकेश, एक क्विक कमेंट आपका, 85-50, 85-80 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इंडेक्स पर, लेकिन अगर ये सपोर्ट्स आज ब्रीच होती है तो कमजोरी कहाँ तक स्ट्रेच हो सकती है? दिवाली, ये डेफिनेटली जैसे आपने मेंशन करा 85-50 एक सपोर्ट है, और दो तीन बार यहाँ से लौटा है और एक मल्टीपल सपोर्ट है, बट मेरा ऐसा मानना है कि सपोर्ट टूटेगा। निफ्टी नीचे में 8500 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। देखना यह है कि नीचे में 8470 से लेकर 8500 का जो एक मेजर सपोर्ट है वो टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर 8470 की एक मेजर नेकलाइन दीपाली टूटती है तब एक बड़ा पैनिक वाला डिक्लाइन मेरे को लगता है मार्केट में देखने को मिल सकता है। 8470 के लेवल टूटते हैं तो नीचे में 8350-8380 तक मार्केट गिरने का पोटेंशियल रखता है। एज ऑफ नाउ मेरा ऐसा मानना है 8500 तक 8550 का जो एक मल्टीपल सपोर्ट है वो टूट जाएगा आज या कल में, और नीचे में 8500 तक निफ्टी गिरने का पोटेंशियल रखता है। 8500 तक निफ्टी स्लिप हो सकता है, तो कॉशियस रहिए अगर इंडेक्स पर आपने कोई भी ट्रेड लिया हुआ है। लेकिन स्टॉक्स कौन से होंगे जो आज आपकी कमाई करा सकते हैं, क्योंकि बाजार कैसा भी हो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हर रोज होती हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज जान लेते हैं डिम्पी से, जिनके पास टॉप 10 ट्रेड्स हैं स्टॉक्स फास्ट 50 के। बताइए डिम्पी। बिल्कुल दीपाली, आज का सेशन कुछ ऐसा ही है कि आपको बाय और सेल दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड करना होगा, और पहले जो कॉल है वो मजेस्को, एक IT कंपनी है जिसको आप बाय करके चल सकते हैं। इसमें 447 रुपए का आप टारगेट रखें। रीजन यही है कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी आई है, 1.5 करोड़ से सीधा मुनाफा बढ़कर 5 करोड़ की कैटेगरी में चला गया है, और मार्जिन में भी हमने बढ़ोतरी आते हुए देखी है, 0.5% से सीधा 2.5% के मार्जिन आए हैं, तो मजेस्को पे आप नजर रख सकते हैं। दूसरा काउंटर होगा TI इंडस्ट्रीज, इस पर आप नजर रखें। इसके अंदर भी एक बाय कॉल है क्योंकि इंजीनियरिंग सेक्टर की एक कंपनी है, यहाँ पे कुछ हद तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। कल के सेशन में भी करीब 8% ऊपर था, और आज करीब 232 का टारगेट एक्सपर्ट्स इसमें दे रहे हैं। ये अगर आप इसको टेक्निकली भी देखेंगे तो 200 डेमा यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि काफी बेहतर बताया जाता है। नव भारत वेंचर्स पर भी आप नजर रख सकते हैं, यहाँ पर भी डेली चार्ट में ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन रहा है, और यहाँ पर जो खरीदारी का स्तर है आप करंट लेवल्स पे ले, और जो टारगेट होगा 154 का रखें, 146 का एक स्टॉप लॉस है। कल का एक अच्छा बेस भी इसके लिए काम आएगा, और यहाँ पे 2 हफ्तों के औसत वैल्यू से ज्यादा वॉल्यूम इसमें देखने को मिल रहा है, तो वॉल्यूम और प्राइस दोनों का ही ब्रेकआउट इस शेयर में बना है। लेकिन आप PC ज्वेलर्स पे सेल कर सकते हैं, कल ही हमने आपको बताया था कि 35-50% धनतेरस पे ज्वेलरी कंपनीज की सेल्स बढ़ी थी, लेकिन अब शायद कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग इन काउंटर्स में देखने को मिल सकती है। PC ज्वेलर्स आज इसका शिकार हो सकते हैं, इसलिए 485 का टारगेट रखें, 503 का स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कर सकते हैं। कल के लास्ट के सेशन में अगर आप देखेंगे तो PC ज्वेलर्स और कई ज्वेलरी कंपनीज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे हावी होती हुई दिखी थी। एक और सेल कॉल भी है PFC, आप इस पे भी नजर रख सकते हैं। 7 दिन में गिरावट इसमें देखने को मिली है, और डेली चार्ट्स पर ये 50 के स्तर को छू सकता है, ऐसा ज्यादातर एक्सपर्ट्स का व्यू है, इसलिए ये भी शॉर्टिंग कॉल आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। 119 तक का टारगेट रखें, आप इसको शॉर्ट करें, 123 का एक स्टॉप लॉस रखें। कल के सेशन में भी पार्टिसिपेशन कम से कम PFC की तरफ से नहीं आता हुआ दिखा था। स्टील कंपनीज को लेकर आपको पता ही है कि दिक्कतें वापस धीरे धीरे शुरू हो रही है, क्योंकि 6 देशों ने भारत के एंटी डंपिंग ड्यूटी को WTO में चैलेंज किया है, और उसमें टाटा स्टील तो आपको पता है विवादों के कारण वैसे भी घिरा हुआ है,
इसलिए इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही खबरों का नेगेटिव इंपैक्ट कम से कम टाटा स्टील पे भी आपको आता हुआ दिखेगा। 405 तक का टारगेट रखे शॉर्ट करें, 422 का एक स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है। ICICI बैंक एक और ऐसा बैंक होगा जिसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। एक तो बैंकिंग में ओवरऑल वीकनेस वैसे ही देखने को मिल रही है, कल भी बैंक निफ्टी शॉर्टिंग का शिकार था, बल्कि बाजार धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। और दूसरी इंपॉर्टेंट है कि अगर एंटी डंपिंग का मामला गंभीर हो जाता है तो बैंकिंग के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी तो स्टील कंपनी की बैलेंस शीट बिगड़ेगी और इससे बैंक्स का दिया हुआ कर्ज फिर से फंस सकता है। इसलिए ICICI बैंक को शॉर्ट करें, 267 तक का टारगेट रखा जा सकता है। भारत फाइनेंशियल्स को भी शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन है और यहाँ पर भी दो गुना से ज्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बिकवाली होती हुई दिखी है। तो वॉल्यूम ऑन द लोअर एज ब्रेक डाउन का कैंडिडेट बना रहा है इसको, 830 तक का टारगेट रखा है। पिछले 2-3 दिन से भारत फाइनेंशियल्स के अंदर तेज मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है। एक यूनियन बैंक को भी अगर आप मिड कैप बैंकिंग स्पेस में देखना चाहते हैं, स्पेशली कोई सरकारी बैंक ढूंढ रहे हैं शॉर्ट करने के लिए, तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है। स्ट्रक्चरली वीक है ये, जो 1.5% की गिरावट आई है लास्ट के सिर्फ एक ही घंटे के अंदर रही है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन था और कल अनवाइंडिंग का प्रेशर भी इसके एफएंडओ में देखने को मिला। 137 का टारगेट, 146 का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल होगा ITC, दिग्गज FMCG प्लेयर, कल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, वेटेज में ज्यादा है, बाजार को भी कमजोर कर रहा है, शायद आज ये और तेजी से गिरे क्योंकि अनवाइंडिंग का प्रेशर कल इसके फ्यूचर्स में देखने को मिला और आज और टूट सकता है। इस पे आप 234 तक का टारगेट रखकर शॉर्ट करें, 242 का एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। शुक्रिया टिम्पी आपका। तो ये 10 ट्रेड्स हैं जहां पर पोजीशंस आज के सेशन में आप बना सकते हैं, लेकिन सभी ग्लोबल इक्विटीज पर प्रेशर और वो प्रेशर इंडियन मार्केट्स पर भी दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मिहिर आईटी स्टॉक्स पर ध्यान देना होगा। कल इंफोसिस ने भी 1000 के लेवल को ब्रीच किया, वैसे ही इन्वेस्टर्स अर्निंग ग्रोथ को लेकर थोड़े से स्किटिश रहे हैं आईटी सेक्टर पर और अब ट्रंप इम्पैक्ट भी हावी हो सकता है। अब देखिए जो ट्रंप इफेक्ट है उसका, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है लाइन ऑफ फायर उसमें आईटी स्टॉक्स है, तो उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आई थिंक इस समय आपको पूरे मार्केट पर ही नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि सभी पर ये नुकसान देखने को मिलेगा। देखिए पिछले 15 दिन में ग्लोबल मार्केट्स में कहीं ना कहीं ये कंप्लेसेंसी थी कि ट्रंप पिछड़ जाएंगे, लेकिन ये जो ईमेल वाला विवाद हुआ है हिलरी का, उसके बाद फिर से एक बार यू नो नाउ इट कुड स्विंग ईदर वेज। और ये जो अनसर्टेनिटी है ये मार्केट को टेंटर हुक्स पर रखेगी, ग्लोबल मार्केट्स को इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट मार्केट्स विल लाइक। अब होगा ये इसमें कि क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है तो ये एटलीस्ट आने वाला हफ्ता 10 दिन का जो समय है कोई उसमें अग्रेसिवली बाइंग करना चाहेगा नहीं या फिर हाथ डालना चाहेगा नहीं। सो आई थिंक अब वो लेवल्स जिसकी पहले बात हो रही थी 8500 या इवन उसके नीचे के लेवल्स एंड ऑल, मार्केट कहीं ना कहीं मेंटली उसके लिए तैयार होना शुरू होगा। बिल्कुल, जिस अप्रोच की आप बात कर रहे हैं वो हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के अप्रोच में देखा भी है। पिछले 14 दिनों से वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में और कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई, सुबह में देख भी रही थी, जिसमें ये मेंशन है खासतौर से कि FIIs की बिकवाली के पीछे जो वजह है इमर्जिंग मार्केट्स में स्पेशली इंडिया में, वो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा रनअप इंडियन मार्केट्स में आ चुका है और अब वो कॉशियस हैं, अपने प्रॉफिट्स को टेक अवे कर रहे हैं फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। ये अप्रोच इंस्टीट्यूशंस की ओर से रही है पिछले कुछ सेशंस में, लेकिन दबाव है स्ट्रीट पर साफ तौर पे इंडिकेटिव एक्शन में, जहां पर निफ्टी अब 8550 के नीचे 8542 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थ, ये खासतौर से आईटी शेयर्स स्पेशली इन्फोसिस, क्या अभी सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? कल इसने 1000 के लेवल को भी ब्रीच किया, इन्वेस्टमेंट कंफर्ट अभी दिख नहीं रहा है इन्वेस्टर्स के बीच में, लेकिन 1000 के नीचे इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है, तो क्या इसको देखना चाहिए एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर अभी थोड़ा और समय रुकेंगे आप? मैं मानता हूं कि यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए, स्पेशली विद द लार्ज कैप कंपनीज, क्योंकि HCL टेक की एक कंपनी है जो बेहतर नतीजे दे रही है कंपेयर टू द अदर पीयर्स। मैं मानता हूं कि लार्ज कैप्स में अभी रुकना चाहिए। मिड कैप्स में मेजेस्को, जिसकी जिक्र आपने किया है, हम मानते हैं कि इसका नतीजे अच्छे आया है, 7% का ग्रोथ आया है, ओवरऑल मार्जिन्स 5% हो गए हैं, 3.5% थे, तो मेजेस्को इन द मिड कैप स्पेस हम मानते हैं कि ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मिड कैप श्रेणी में मेजेस्को हो गया, परसिस्टेंट हो गया, इस पर नजर जरूर रख सकते हैं, बट लार्ज कैप स्पेस में इन्फोसिस और TCS को अभी अवॉइड करना या कुछ नीचे आए तब उस पर ध्यान देना हुई ही बेहतर। जी चलिए, तो इस बीच एक बार देख लेते हैं, 83 पॉइंट्स नीचे इंडिकेटिव टिक्स में रुका है निफ्टी, यानी 8550 के नीचे 1% की गिरावट। और जो टॉप लूजर्स हैं इसमें टाटा स्टील है जो कि 3% नीचे है, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदानी पोर्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, जी एंटरटेनमेंट, टाटा मोटर्स, ऑर्डिनरी स्टॉक, ONGC, ACC, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, सारे इस समय नुकसान में है। निफ्टी बैंक इनफैक्ट इस समय करीब 0.25% नीचे दिख रहा है और संकेत जिस तरह के हैं आई थिंक शुरुआत में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी देखने को मिलेगी भी नहीं। सुमित,
टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है? इस पर लगातार न्यूज फ्लो जारी है, कल भी बाजार बंद होने के बाद टाटा सन्स का डिनायल भी आया था, इनफैक्ट जो डोकोमो पर चिट्ठी लिखी है मिस्टर मिस्त्री ने उसका, इस ग्रुप के स्टॉक्स पर आज क्या देख रहे हैं आप? और वीकनेस देखने को मिलेगी मीर, अभी ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में अभी थोड़ा मंदी और आएगा। जो कल छोटा मोटा टाटा स्टील में और बाकी स्टॉक्स में कोई थोड़ा सा एक स्टेबलाइजेशन देखने को मिला था या थोड़ा सा पुलबैक हमको टाटा स्टील में स्पेसिफिकली देखने को मिला था, वो मुझे ऐसा लगता है कि वापस एंगल्फ हो जाएगा और यहाँ से एक वापस करेक्शन देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली प्योरली इंट्राडे में अगर कोई ट्रेड करना हो तो टाटा स्टील वीक लगता है वापस ऊपर में, जब तक ये 430 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक कोई भी उछाले में टाटा स्टील को बेच के काम करना चाहिए। इस बार अगर टाटा स्टील नीचे में 400 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो ये आने वाले दिनों में 380 से 360 तक के लेवल दिखाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार टाटा स्टील में इंट्राडे के हिसाब से सेल व्यू बनाया जा सकता है 425 430 के आसपास का स्टॉप लॉस, और नीचे में 400 ब्रेक करते 380 तक के टारगेट्स होने चाहिए। जी।